दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभिमन्यु के बीच के रिश्ते को जोड़ेंगे उसके ताऊजी, यानी कि अभिमन्यु के ताऊजी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अक्षरा से मिलने के लिए अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और इन दोनों के बीच में वो खुद ही इमेजिनेशन करता है काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स, जहाँ पर उसे लगता है कि अक्षरा उसके कमरे में भी आई है और काफ़ी चीज़ें चेंजेस करने के लिए कह रही है। और वो कहता है कि पहले मेरी ज़िंदगी में तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर उस अभिमन्यु के पापा डिसाइड कर लेते हैं कि जो कुछ हो जाए, लेकिन अब तो ये रिश्ता तभी जुड़ेगा जब अब अक्षरा अपने मन से ये सब कुछ कहेगी, अपने मुंह से ये सब कुछ कहेगी कि वो अभिमन्यु से प्यार करती है, वरना मुझे लगता है वो अपनी फीलिंग्स उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। तो यहाँ पर अभिमन्यु सुन लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसके पापा भी कह देते हैं कि तू जाओ लेकर आओ और ये रिश्ता मैं खुद कन्फर्म करूंगा और मैं चाहे मुझे उन लोगों से माफ़ी भी मांगनी पड़े। तो अभिमन्यु खुश हो जाता है और उसकी मॉम भी और पूरे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। जिसके बाद नहीं, यहाँ पर ताई जी तो यही चाहती है कि वो ऐसी ही मंजरी जैसी ही बहू आ जाए अक्षरा, ताकि हमारे रास्ते का कांटा हट जाए। तो भाई यहाँ पर वो अपना फायदा देख रही होती है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभिमन्यु भी कहते थे कि मैं अभी अक्षरा को लेकर आता हूँ। वो पहुँच जाता है अक्षरा को लेने के लिए और लेकर आ भी जाता है। जैसे ही अक्षरा पहला कदम रखती है घर में, वहाँ पर ताऊजी के पास मैसेज आता है कि उनका बहुत बड़ा केस चल रहा था हॉस्पिटल पर जो कि सॉल्व हो चुका है। जिसके बाद में वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अक्षरा के पहले कदम से ही ये सब कुछ हो गया और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। तो वहीं पर अक्षरा को सब पूछते हैं तो अक्षरा सबसे माफ़ी मांगती है और कबूल कर लेती है कि वो अभिमन्यु से प्यार करती है पहले दिन से ही, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अभिमन्यु का एक सपना होता है। अक्षरा आती ज़रूर है ले और वो केस भी सोल्व होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अक्षरा सबके सामने माफ़ी मांगती है और वो कह देती कि वो उससे प्यार नहीं करती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी कुर्बानी अक्षरा दे रही होती है जिसका अंदाज़ा भी अभिमन्यु को नहीं होता। अभिमन्यु को लगता है कि वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन वो आरोही के लिए सब कुछ कर रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर घर वालों को और अभिमन्यु को तगड़ा झटका लगता है, लेकिन अब ताऊ जी ही कहेंगे कि हमें लगता है कि एक बार फिर से हमें अभिमन्यु और अक्षरा की लाइफ को सोचना चाहिए, क्योंकि शायद वो अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर रही है। उसके बाद यहाँ पर अभिमन्यु को उसके ताऊजी भी संभालते नजर आएंगे और उसकी मॉम भी। तो यहाँ पर देखने को इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अक्षरा का रिश्ता कोई और नहीं, अब बिरला परिवार ही लेकर जाएगा। उसी तरफ दादी ये सब कुछ पहले से सोच के बैठी होती कि अक्षरा का रिश्ता वो लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु अक्षरा को लेकर जाता है जिससे कि मामला बिगड़ जाता है। लेकिन अब जल्दी ही इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आरोही सच कबूल करेगी और कह देगी कि अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसके पीछे उसका एक मकसद होता है अभिमन्यु के भाई से शादी करने का। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से अभी शादी होती है।